हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में जुगल सरकार के लिए पगड़ी तैयार करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे चुनरी की फैब्रिक ली हुई है। यहाँ पतली वाली फोम शीट चाहिए और एक इस तरह के 4 इंच की डायमीटर में आप एक सर्कल फोम शीट के कट करके रखें। 4 नंबर जुगल सरकार की जो पोशाक है जन्माष्टमी के लिए तैयार की गई है, 14 नंबर की पोशाक, वो चैनल पे अपलोड है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, क्लिक करके आप फुल वीडियो को देख सकते हैं। और पगड़ी बनाने के लिए आप एक सॉफ्ट कार्डबोर्ड ले लें। 10 नंबर की पगड़ी हम तैयार करेंगे। इसके लिए सॉफ्ट कार्डबोर्ड में आप मार्क कर लें, 10 इंच पे यह निशान लगा लें और नीचे से ऊपर की ओर 2.75 इंच पे निशान लगाए, यानी 2.5 इंच और 3 इंच के बीचों बीच जो निशान है वहाँ आप निशान लगा लें। अब इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ बीचों बीच पहले एक निशान लगा लें 5 इंच पे, यहाँ सेंटर में यहाँ एक निशान लगा लें। 1/2 इंच और 1 इंच के बीचों बीच जो निशान है, यानी 0.75 इंच, यानी 0.25 इंच पे हमें यहाँ मार्क करनी है। यहाँ पहले निशान लगा लें और इस ओर भी 0.75 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ भी 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों किनारे जो 0.75 इंच पे हमने निशान लगाया था और इस सेंटर में निशान लगाया था, इसे यहाँ इस तरह आप निशान लगा लें दोनों किनारे से, यहाँ सेंटर में इस तरह। आप चाहें तो इस तरह भी इसे कट कर सकते हैं। यहाँ इस तरह कट लगा लें आप। सॉफ्ट कार्डबोर्ड अगर ज़्यादा सॉफ्ट है, यहाँ आप 2 कार्डबोर्ड को फेविकॉल से पेस्ट कर दें जिससे कि ये थोड़ी हार्ड हो जाए। अगर आपका सॉफ्ट कार्डबोर्ड हार्ड है तो आप यहाँ इस तरह ही एक ही यूज़ करें। अगर ज़्यादा सॉफ्ट है तो 2 को आप फेविकॉल से चिपका के यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब फैब्रिक ग्लू ले लें और एक फैब्रिक के पीस को ले लें। अगर आपके पास रेड कलर के अस्तर का पीस है तो यहाँ आप अस्तर के पीस को भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो जिस फैब्रिक से आप पोशाक तैयार कर रहे हैं तो उससे भी पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें। जब ये सूख जाए तो आप नीचे से इस तरह कट लगाएं, नीचे की ओर आप इस तरह कट लगा लें। और यहाँ ग्लू लगाते हुए पेस्ट कर दें। इसे आप कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें और यहाँ भी ऊपर की ओर पेस्ट कर दें। यहाँ हमने दोनों ओर फैब्रिक को पेस्ट कर दिया है। इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप फेविकॉल लगा के यहाँ एक और सॉफ्ट कार्डबोर्ड को पेस्ट कर दें। कलगी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 20 इंच की है। तैयार हमें 19 इंच की चाहिए। हमने यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है। और जो चौड़ाई है, चौड़ाई आप 7 इंच की ले लें। और यहाँ एक अरगंडी के पीस को मैंने लिया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच की है और लंबाई यहाँ 19 इंच की
मैंने ली है। फैब्रिक को इस तरह आप पलट के रखें, ये उल्टा साइड है, नीचे सीधी और नीचे की ओर है। आप यहाँ इस तरह अरगंडी के पीस को रखें और यहाँ इस तरह डबल करते हुए पहले यहाँ ठीक कर लें, यहाँ बराबर कर लें। बराबर करने के बाद आप किनारे की ओर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था, दोनों ओर से आप हाफ इंच इस तरह मोड़ते हुए स्टिच लगा लें। थ्री साइड हमें स्टिच करनी है तो इस ओर आप इस तरह मोड़ते हुए यहाँ से स्टिच लगाना शुरू करेंगे और नीचे पूरी में स्टिच लगाने के बाद इस ओर भी आप यहाँ मोड़ते हुए इस ओर यहाँ तक स्टिच लगा ले। थ्री साइड स्टिच कर लिया है। जिस ओर फैब्रिक को मोड़ के स्टिच किया है उसे आप इस तरह नीचे की ओर रखें और अब यहाँ पेपर फैन की तरह इस तरह मोड़ लें। इस तरह के मुझे कलगी के लिए दो पीस चाहिए हमें। यहाँ इस तरह आप ऊपर की ओर से फोल्डेड साइड की ओर से बराबर कर लें। जो स्टिच वाला भाग है दोनों साइड आप नीचे की ओर ही रखें। यहाँ इस तरह ये एक ओर ही रखेंगे हम दोनों किनारा। अब यहाँ नीचे की ओर आप सुई धागे से यहाँ स्टिच कर लें। स्टिच करके यहाँ आप नॉट बांध के धागे को कट कर लें। अब नीचे की ओर से जो एक्स्ट्रा धागा यहाँ निकला हुआ है आप बराबर कट लगा लें। इस तरह ही सेम साइज की 19 इंच लंबाई में एक और कलगी आप तैयार कर लें। यहाँ मैंने एक और कलगी तैयार करके रखा हुआ है, सेम साइज की है दोनों कलगी। यहाँ एक और कार्डबोर्ड ले लें और जो फोम शीट और फैब्रिक को 4 इंच डायमीटर में कट किया है अब यहाँ पेस्ट कर दें। और इसे अभी साइड रख दें सूखने के लिए। अब यहाँ एक इंच चौड़ाई में फोम शीट को ले लें, एक और फैब्रिक को आप ले लें। फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच की है। अब इस तरह बीचों बीच फोम शीट को रखें और यहाँ ग्लू लगाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर फैब्रिक को पेस्ट कर दें। इस तरह आप तैयार करके रखें। यह हमने कुछ पीस को तैयार कर लिया है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है इसे आप कट कर लें। इस तरह आप पेस्ट करके रखें। इस तरह आप दो पीस कलगी आप तैयार कर लें। अब यहाँ पगड़ी को पेस्ट करेंगे। इसे आप बाहर की ओर रखें और ये अंदर की ओर इस तरह आप पेस्ट करें। यहाँ हाफ इंच के करीब आप पेस्ट कर लें। जो कट वाली पोर्शन है इसे आप नीचे की ओर रखें और ऊपर के पोर्शन में जिस ओर हमने फोम और फैब्रिक को पेस्ट किया है उसे यहाँ नीचे की ओर रख के यहाँ पेस्ट करना है हमें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पगड़ी की मैचिंग पोशाक की वीडियो चैनल पे अपलोड है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक पे क्लिक करके आप फुल वीडियो को देख सकते हैं। आप कुछ देर इस तरह दबा के रखें, ये तुरंत ही सूख जाएगी। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल दें। यहाँ इस तरह पेस्ट हो गई है। अब यहाँ इसे पेस्ट करेंगे। यहाँ ऊपर की ओर एक फैब्रिक पेस्ट कर दें। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें और यहाँ नीचे की ओर ग्लू लगाते हुए इस तरह पेस्ट कर दें। यहाँ फ्रंट पोर्शन में यहाँ ग्लू लगा के हमें पेस्ट करना है तो सबसे पहले ऊपर वाले पीस को हम पेस्ट करेंगे। यहाँ इस तरह सेंटर से
यहाँ लगाते हुए, यहाँ सेंटर से लगाते हुए इस तरह पेस्ट करें। आप यहाँ थोड़ी दबा के रखें, यहाँ तुरंत ही सूख जाएगी। अब जो सेकंड वाली हम लगाएंगे लेयर को, वो ये पहली वाली लेयर के ऊपर चढ़ाते हुए आप लगाएं। तो यहाँ स्टार्टिंग से पहले ग्लू लगा लें और इस तरह आप यहाँ चढ़ाते हुए रखें। अब यहाँ थोड़ी ऊपर की ओर से यहाँ ग्लू लगाएंगे। अब यहाँ से आप ऊपर की ओर इस तरह रख के पगड़ी की बेस बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ कलगी पेस्ट करेंगे। फ्रंट में आप 4 इंच पे मार्क लगा लें, तो सेंटर में आप 2 इंच पे सेंटर में रखें और यहाँ मार्क लगा लें। अब यहाँ आप पेस्ट कर दें। ये मुड़ा वाला भाग है, इसे पीछे की ओर रखेंगे। तो आप यहाँ इस तरह यहाँ रखें और यहाँ से आप इस तरह दबाते हुए। अब यहाँ दूसरी कलगी को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पीछे की ओर से आप ग्लू लगा लें। अब यहाँ बीचों बीच इन दोनों को भी पेस्ट कर दें। 4 नंबर कृष्णा जी की 10 इंच की पगड़ी की बेस बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डेकोरेट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।